अधिकतर घर वालों के हिसाब से जो नॉमिनेटेड सदस्य अभी घर से बेघर होना चाहिए वो है लवकेश। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। लवकेश कटारिया के बाहर होने से शो के मेकर्स पर आया एल्विस यादव का रिएक्शन। जी दोस्तों, बता दूं कि लव कटारिया के एविक्शन पर भर गए हैं फॉलोअर्स और फैंस, और बिग बॉस ओटीटी 3 की काफी जमकर ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर। जैसे ही लवकेश कटारिया को फैंस और फॉलोअर्स विनर के रूप में देख रहे थे, और अचानक से बिग बॉस ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। लवकेश को घर से ही बाहर जाना चाहिए। जी दोस्तों, लवकेश कटारिया के एविक्शन पर नाखुश हुए फैंस और कर रहे हैं बॉयकॉट की मांग। और इस पर लव कटारिया के दोस्त बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विस यादव का भी रिएक्शन आया है। जी दोस्तों, बता दूं कि बिग बॉस ओटीटी 3 से लवकेश कटारिया और अरमान मलिक के एविक्शन की खबर सुनकर दर्शक शॉक हो गए हैं। बता दूं कि पिछले रिकॉर्ड देखकर माना जा रहा था कि फैन फॉलोइंग देखकर ये लग रहा था कि लवकेश कटारिया विनर बनेंगे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि लवकेश कटारिया टॉप 5 में भी नहीं पहुंचे। और ऐसा नहीं था कि उनकी परफॉर्मेंस वगैरह कुछ खराब थी, उन्होंने अपना 100% शो को दिया है, और कंटेस्टेंट के मुकाबले देखा जाए तो वो विनर लिस्ट में होने चाहिए थे। बता दूं कि एविक्शन के बाद मैं लवकेश का नाम लेना चाहूंगा, रणवीर, मैं लवकेश को बेघर करना चाहूंगा। अब सोशल मीडिया पर बिग बॉस बॉयकॉट चल रहा है, और साथ ही लवकेश कटारिया और एल्विस यादव के फैंस जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। और सबका एक ही चीज कहना है, रियलिटी शो में रियलिटी तो है ही नहीं। और बता दूं कि कटारिया के एविक्शन के बाद नेजी के विनर बनने की खबरें तेज हो गई हैं, और कई लोग दावा कर रहे हैं कि नेजी इस सीजन का फिक्स विनर है। बता दूं कि खबरों के मुताबिक अरमान मलिक और लवकेश कटारिया का सफर बिग बॉस ओटीटी 3 से खत्म हो चुका है, और जियो ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके दिखाई ट्रॉफी की झलक। जी दोस्तों, जियो के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रॉफी के साथ एक वीडियो शेयर किया गया है, और जिसमें पब्लिक मेकर्स पर जमकर बरस रही है, हर तरफ बायस शो की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि शो स्क्रिप्टेड है, और बता दूं कि लोग इस सीजन से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इस सीजन में सारी हदें पार हो चुकी हैं, लोगों का बिग बॉस से भरोसा उठ चुका है। जी दोस्तों, फैंस का कहना है कि और पब्लिक का कहना है कि जियो को अनइंस्टॉल करो, क्योंकि रियलिटी शो में रियलिटी तो है ही नहीं। पब्लिक का कहना है कि डिजर्विंग कैंडिडेट को तो आपने बाहर निकाल दिया। जी दोस्तों, बता दूं कि बिग बॉस ऐसा शो है या ऐसा शो था जिसमें लोग विनर चुनते थे, लेकिन वो अब चीज रही नहीं, क्योंकि लोगों का कहना है कि सारे डिजर्विंग कैंडिडेट को तो आपने बाहर निकाल दिया। पूरा सीजन डिजर्विंग कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए टास्क बनाए गए, और कुछ लोगों का कहना है कि टीआरपी के नाम पर लवकेश कटारिया का यूज किया गया। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं शो देखकर ऐसा लगता है कि टीआरपी के नाम पर डिजर्विंग कैंडिडेट का यूज किया गया। जी दोस्तों, बता दूं कि लवकेश कटारिया के बाहर होने से उनके दोस्त एल्विस यादव का रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं है, वो काफी गुस्से में है। जी दोस्तों, बता दूं कि फिनाले नजदीक है, और फिनाले से पहले ही दो कंटेस्टेंट लवकेश कटारिया और अरमान मलिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और लवकेश कटारिया के बाहर होने से फैंस, फॉलोवर, पब्लिक सब हैरान है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं बिग बॉस के अंदर अभी भी जो कुछ नहीं करके भी टॉप 5 में हैं। जी दोस्तों, कृतिका मलिक और साई केतन, जिनकी शो में कोई प्रेजेंस ही नहीं देखी जा रही थी। जी दोस्तों, पब्लिक का कहना है कि कटारिया का यूज किया गया, जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल करो, बिग बॉस को बॉयकॉट करो, और ये अनफेयर एविक्शन सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। और इसी बीच एल्विस यादव का रिएक्शन आया, और वो भड़कते हुए नजर आए, और उन्होंने मेकर्स पर सवाल उठाए हैं। और जैसे कि आपको पता है, एल्विस यादव अपने वन लाइनर के लिए फेमस हैं। जी दोस्तों, एल्विस यादव ने ट्वीट किया, वोट से नहीं निकाल पाए क्वेश्चन मार्क। बता दूं कि पूरे सीजन में बिग बॉस के लवकेश कटारिया वोट्स के मामले में सबसे टॉप में थे, हर बार पूरे सीजन में लव कटारिया को ज्यादा वोट्स मिलते हैं। और वहीं फैंस का मानना है कि लवकेश ने टास्क में भी अपना 100% दिया है, और उन्होंने हर टास्क अच्छी तरह खेला है, और वो फाइनल में जाना डिजर्व करते थे। जी दोस्तों, ये बात तो सबको पता थी कि लवकेश कटारिया को वोटिंग के नाम पर हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। और फैंस का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोटिंग ही, वो एक डिजर्विंग प्लेयर भी था जो विनर बनने के लायक था, क्योंकि अनडिजर्विंग प्लेयर तो अभी भी बिग बॉस के अंदर है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है लवकेश कटारिया कैसे बाहर हुए? तो बता दूं कि घर से बेघर होने के लिए साई केतन राव, लवकेश कटारिया, सना मकबूल, अरमान मलिक नॉमिनेट हुए थे, और रिपोर्ट्स के अनुसार अरमान मलिक ऑडियंस वोट से बाहर हुए थे। अरमान मलिक के बाहर होने के बाद जो घर के कंटेस्टेंट थे उनके वोट से लवकेश कटारिया बाहर हुए। बता दूं कि कुछ दिन पहले ही एल्विस यादव और माने जाने यूट्यूबर्स ने मीटअप रखा था, और मीटअप में फैंस को देख हल्ला बोल हो गया, क्योंकि एल्विस यादव ने कहा था कि ट्रॉफी हमारे पास ही आनी चाहिए। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं बिग बॉस ने लोगों का भरोसा तोड़ा है, और फैंस, फॉलोअर, पब्लिक सबके मुताबिक ये शो बायस्ड है, ये शो स्क्रिप्टेड है, और टीआरपी के लिए लवकेश कटारिया का यूज किया गया, और फैंस ने एक ही मांग उठाई है, बॉयकॉट बिग बॉस, अनइंस्टॉल जियो सिनेमा। जी दोस्तों, बता दूं कि ऐसा माना जा रहा है कि बिग बॉस की अभी तक बनाई गई रेपुटेशन पर एक दाग लग चुका है। हर सीजन बिग बॉस बायस होता रहा, और इस सीजन को बिग बॉस ने पूरा स्क्रिप्टेड शो बना दिया। जी दोस्तों, बता दूं कि फैंस का कहना है कि पब्लिक की फीलिंग के साथ रियलिटी शो के नाम पर मजाक किया गया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसमें?
अपनी राय बिग बॉस को लेकर जरूर बताएं। और लवकेश कटारिया के एविक्शन पर आपका क्या कहना है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताइए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।